बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जमील अहमद और आप देख रहे हैं जमील टेक। दोस्तों, आज की वीडियो है VPS MS Word के बारे में। जो दोस्त VPS पर अपनी डॉक्यूमेंट फाइल बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। और पहले जो मैंने इतनी अपनी वीडियोस अपलोड की वो प्लेबैक भी की, तो आज मैंने सोचा है कि फेस कैम वीडियो बनाई जाए। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो VPS है उस पर आप कैसे एक डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं और सेम अपने सेल फोन पर भी वैसा प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप में। तो मैं आज आपको पीस में बताऊँगा कि आप VPS पर एक डॉक्यूमेंट फाइल कैसे बना सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने PC के डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले हमने अपना जो VPS है जो मेरे पास ओपन कर लेना है हमने। इसके बाद हमने न्यू पे क्लिक करना है, इस साइड पे डॉक्यूमेंट, और अब हमने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो हमारे सामने फाइल, इसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगी डैशबोर्ड, तो हम इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके सामने मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ भी जो है ना वो वर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि नेम, जो हमने अपना फ्रंट पेज डॉक्यूमेंट फाइल में बनाना है। अगर कोई आप असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं तो आपने सबसे पहले वो अपना नेम वगैरह वैसे लिख लेना है। फ़ॉन्ट अभी फ़िलहाल तो हमने 10 का किया हुआ है। जब आप इसे सब सारे फ़ॉन्ट लिख लेंगे, नेक्स्ट आप इसके फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो आप बड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, नेम, रोल नंबर, और अब मैं सेक्शन वगैरह मेंशन कर रहा हूँ। इसी तरह हम हर किस्म की जो फाइल है वो एडिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये VPS आप सेम सेल फोन में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं तो आपको PC पे करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसे सेल फोन में सेम यही मेथड से कर सकते हैं। MS Word वगैरह ये सारा वर्क इस पे कर सकते हैं आप बिल्कुल ही फ्री। तो अब ये मैं आपके सामने सारे मेंशन कर रहा हूँ, नेम, रोल नंबर, सेक्शन, और अब सबमिटेड का जो है लिख रहा हूँ मैं, सर रिजवान। जब हमने अपना ये सारे फॉन्ट लिख लेने हैं, नेक्स्ट हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सारे फो, इसके बाद हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो फॉन्ट का साइज़ है वो उसको मेंशन करेंगे, जितना हमने साइज़ करना है वो कर सकते हैं। मैंने 28-26 पे किया, फिर 18 पे किया, ये हमने 28 का फॉन्ट कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। इंटर के बटन से आप यहाँ पे जो है स्पेस दे सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा फ्रंट पेज जो है आपका बन जाएगा। नीचे मैं डिपार्टमेंट भी मेंशन कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। गाइज ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, आप बहुत ही अच्छी अपनी असाइनमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट फाइल जो है ना इजीली बना सकते हैं इस VPS पे। यहाँ पे टाइम लिए रोमन जो है ना, मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए सब पहले हमने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है और जो हमारे फ़ॉन्ट के साथ लिखा हुआ है ना, यहाँ से टाइम लिए रोमन कर दिया मैंने। ये कितना अच्छा बन गया, ये देखें। इसी तरह इसमें 100+ हैं, आप अपने जो के फ़ॉन्ट का स्टाइल है ना वो लगा सकते हैं। ऊपर अपने यूनिवर्सिटी वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
तो ये एक आप अभी तक सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल आप बना रहे हैं, ठीक है। इस पर और भी आप कर सकते हैं जो भी आप इसमें मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट पेज के लिए इंटर पे क्लिक करेंगे और हमने नेक्स्ट पेज पे जाके जो अपना टॉपिक वगैरह उसका नेम वगैरह मेंशन करना है, ठीक है, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं कवर। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे इंटर के क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे सेंटर के लिए मैं ऊपर से क्लिक करूँगा सेंटर वाली फाइल, ये जो आपके सामने ऊपर है ना ए फॉन्ट के साथ वाली, यहाँ से। तो ये हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज जो है ना अपना टॉपिक का जो नेम वगैरह जो भी चीज़ है हम मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने देख रहा हूँ यूजेज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये हमने लिख के अमूमन जो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट बीपीएस पे या एमएस वर्ड पे, जो फॉन्ट है ना जो हमारी मेन हेडिंग है वो 16 की होती है और जो सब हेडिंग होती है वो हमारी होती है 14 की और जो हमारा टेक्स्ट होता है वो 12 का होता है। तो ये हमारे जो टॉपिक की हेडिंग है ना मेन, आप इसे 16 पे करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको ये देख के सामने 16 पे मेंशन कर दिया, तो इसको आप टाइम न्यू रोमन में कर देना कन्वर्ट ऊपर से, जैसे कि मैं यहाँ से कर दिए। अब ये टाइम न्यू रोमन में होगी, बहुत ही अच्छा जो है ना ये इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमने पेज को साइड पे ले जाना और ऊपर से वहाँ से जो है ना आप मेंशन भी कर सकते हैं जो अपने टॉपिक्स के नेम जो है ना साइड में डॉट लगा के इस तरह के और एरो जो है ना वो लगा के ना, थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल पे या असाइनमेंट पे। तो गाइस आप इजीली अपनी जो है ना असाइनमेंट बना सकते हैं, कोई इतना ये मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। जैसे कि मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ इसकी यूजेस। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो काइंडली एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, देन बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो गाइस ये पार्ट वन मैंने एक वीडियो बनाई है अभी तक बीपीएस पे जो डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। नेक्स्ट मैंने आपको वीडियो जो बनाऊंगा वो आपको सेल फोन पे भी बता के दिखाऊंगा और नेक्स्ट आपको पीडीएफ फाइल वाला वगैरह भी डॉक्यूमेंट बनाना भी सिखा दूंगा। तो अब हमने कंट्रोल एस कर दिया है और हमारी फाइल सेव हो चुकी है।